चलिए बच्चों, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हर्ट के बारे में पढ़ा था बच्चों। किसके बारे में पढ़ा था? हर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हर्ट में हमने क्या देखा था कि हर्ट को, जो हमारा हर्ट सर्कुलेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है, हर्ट को हमने यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हर्ट क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, साइड में नोट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर, तो आपने देखा था हर्ट क्या है हमारा, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। बच्चों क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। देखो बच्चों, किसी को भी कोई डाउट आता है, कुछ भी है, पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। जो 40 मिनट का आपका लिंक है उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद जो भी दिक्कत हो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम बात कर रहे थे हर्ट की। तो हर्ट क्या है हमारा, एक मस्कुलर ऑर्गन है, विच इज एन बिग एज आवर फिस्ट, यानी कि हमारी हथेली, यानी कि मुट्ठी के बराबर होता है। जितनी हमारी मुट्ठी होती है उसके बराबर होता है हमारा क्या, हर्ट। और आपको पता है लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? प्रियांशु कहाँ पे होता है, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट लेफ्ट में, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ O2 एंड CO2 हैव टू ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। बच्चों क्या होता है, कह रहा है कि दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट के थ्रू होता है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक एल्वियोली टाइप स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, जो कि लंग्स का एंड पार्ट होता है बच्चों। ये ऐसे एल्वियोली होता है एक, ठीक है, जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहां से क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, O2 बाहर निकलती है, और वो O2 क्या करती है, हमारे ब्लड को क्या बना लेती है, ऑक्सीजनेटेड। क्या बना देती है? ऑक्सीजनेटेड बना देती है, ठीक है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा, वो ब्लड किसके पास जाता है बच्चों, पहले बच्चों किसके पास जाता है, हार्ट के पास। ध्रुव बच्चे बता, हार्ट के पास क्यों जाता है? सर पंप होने के लिए, बाकी पंप सब होने उसके के पास लिए। वाई, हार्ट क्यों पंप करेगा उसको? सर, ताकि हर बॉडी के ऑर्गन के सेल के पास पहुंच जाए। वेरी गुड बच्चे, ताकि हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ग्रेविटी का पंगा पड़ जाता है कि भाई हमारी ग्रेविटी जो है वो हार्ट को ब्लड को नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से जो होता है हमारे जो ब्रेन्स में जो सेल होती है उसके पास क्या होता है, ब्लड नहीं पहुंच पाता, ठीक है। इसीलिए क्या करता है हार्ट, क्या करता है हार्ट, यानी कि ब्लड के पास असल में क्या है बच्चों, ब्लड के पास इतनी इतना प्रेशर नहीं है कि वो पूरे हर एक पार्ट, हर एक सेल के पास पहुंच पाए हमारी बॉडी के। तो होता क्या है, ब्लड को पंप करना बहुत जरूरी है, तो ब्लड जाता है एक तरीके से किसके पास, हार्ट के पास जाता है बच्चों। और हार्ट के पास जाने के बाद जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट क्या करता है ब्लड को बच्चों, पंप करता है, ठीक है। हार्ट क्या करता है ब्लड को पंप करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हार्ट इज लाइक अ पंपिंग ऑर्गन, या फिर हम बोल सकते हैं कि हार्ट क्या हमारा, पंपिंग ऑर्गन है। तो ये क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है, यानी कि ब्लड अब इतना प्रेशराइज हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, इतना प्रेशराइज हो जाता है कि वो हर एक पार्ट में, हर एक सेल के पास पहुंच पाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब क्या होता है, बॉडी में, पूरी बॉडी की हर एक सेल के पास हमारा ब्लड क्या है, पहुंच चुका है। अब बच्चों सेल के पास ब्लड जब ऑक्सीजन सेल को दे देता है, ऑक्सीजन हमारे लिए एनर्जी बनाती है, और एनर्जी बनाने के लिए जो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराती है ग्लूकोज की, जिसके बाद कौन सी रिएक्शन होती है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ, C6H12O6+O2 के साथ रिएक्शन करती है, क्या बनता है, CO2, O2 और साथ में एनर्जी, हाँ है ना, ये सारी चीजें बनती है, बोलो। अब सर बच्चों इसमें जो होता है CO2, यहाँ पर जो CO2 दिखाई दे रही है, जो कि क्या हमारा वेस्ट मटेरियल है, क्या है, वेस्ट मटेरियल है। अब ये वेस्ट मटेरियल किसको दे दिया जाता है वापस, बच्चों ब्लड को दे दिया जाता है, किसको दे दिया जाता है। ब्लड अब ये ब्लड कैसा बन जाता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सी, डीऑक्सीजनेटेड। बहुत अच्छी बात है, डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, वेरी गुड बच्चों। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आता है, वापस कहां पर जाता है बच्चों, हार्ट के पास जाता है। एल्वियोली के पास, नहीं बच्चे, पहले एल्वियोली के पास नहीं जाएगा, पहले हार्ट के पास जाएगा, वापस कहां पे जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट के पास। अब हार्ट के पास क्यों गया, क्योंकि आप जानते हो हार्ट के पास इसलिए गया क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेशर नहीं है कि वो वापस एल्वियोली के पास पहुंच पाए। क्लियर है? यस सर। अब हार्ट से वापस, फिर हार्ट क्या करता है, उसको दोबारा से पंप करता है, और दोबारा से पंप करने के बाद हार्ट के देन हमारा कहां पे जाता है, एल्वियोली के पास जाता है। क्लियर है? यस सर। और एल्वियोली से क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। क्लियर, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। सर। चलिए, तो बच्चों ये हमने सारा पढ़ा था। अच्छा एक बात बताओ, अब इस पूरी वन साइकिल में, पूरी साइकिल में
जब वन साइकिल हमारी कंप्लीट हुई, वन साइकिल कब कंप्लीट हुई बच्चों, वन साइकिल कंप्लीट हुई जब एल्वियोली से ही कहां तक आया, वापस एल्वियोली तक आ गया ब्लड, आया ना। अब वन साइकिल में ब्लड जो है हार्ट के अंदर, किसके अंदर, हार्ट के, हार्ट के अंदर बच्चों कितनी टाइम्स गया है, टू टाइम्स यानी कि एक साइकिल में दो बार जो है हार्ट के अंदर गया है। इट मीन्स हमारा जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं इसलिए हार्ट को, यानी कि क्या कहा जाता है इसलिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है चीज, लास्ट क्लास में यही कराया था, कोई दिक्कत इसमें? यस सर। डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, पूछो जल्दी फटाफट। एनीबडी एल्स? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, कितने बच्चों ने रीडिंग करी थी बुक की? यस सर, मैंने करी थी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो आपके सामने जो है एक और जो है डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ह्यूमन हार्ट इज, अच्छा कितने चैम्बर होते हैं जल्दी बताओ? फोर चैम्बर, वेरी गुड, ठीक है। ये रहा फोर चैम्बर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फोर चैम्बर हार्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर फोर चैम्बर क्यों जरूरी है? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा जा सके। बहुत बहुत बढ़िया, यानी कि वो आपस में क्या हो, इंटरमिक्स ना हो। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है मुझे इंटरमिक्स होने से क्या दिक्कत हो सकती है? हमारे बॉडी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, मतलब यानी कि इन प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, हाँ है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों देखो, बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ रहे हो थोड़ा, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, लास्ट क्लास में ही। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, द CO2 ब्लड रीच टू द लंग्स एंड प्योरिफिकेशन एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द पंपिंग एंड रीच ऑल द बॉडी सेल। ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ आपको, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स, कह रहा है कि कुछ एम्फीबियंस और जैसे कुछ काफी रेप्टाइल्स भी होते हैं, ठीक है, अब ये सब तुम्हें पता होगा, ठीक है, हैव थ्री चैम्बर्स, और उनके पास कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, तीन चैम्बर हर्ट होते हैं। एंड कह रहे और वो क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड का मिक्सिंग हो जाती है वहां पर, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अमाउंट में क्या है, एक तरीके से एनर्जी अपने लिए नहीं बना पाते, समझ में आ रही बात? तो इसको मतलब देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स सबसे ज्यादा फैसिलिटेटेड है इस चीज में, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छी सिस्टम है एक तरीके से। जैसे कि फिशेज की बात करिए, फिशेज हैज टू चैम्बर हार्ट, अब फिशेज का क्या होता है, दो चैम्बर हार्ट होता है एंड ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स, और आपने देखा होगा ब्लड जो होता है वो गिल्स के थ्रू पंप किए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तुमने सुना होगा, गिल्स का नाम सुना होगा तुमने, फिश के अंदर इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वो डायरेक्टली किसके पास पास कर दिया जाता है, पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी पूरी बॉडी के पास पास कर दिया जाता है। एनीबॉडी, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यानी कि यहाँ पर चैम्बर्स की बात की हमने, ठीक है, तो हमने पाया कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें फोर चैम्बर हार्ट होते हैं और ये स्पेशल है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, आपने देखा था, अच्छा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम बताओ जल्दी, ओटा, वेरी गुड, किसने बोला बच्चे, प्रियांशु, यस, वेरी गुड प्रियांशु, बताओ बच्चे ओटा की क्या स्पेशलिटी क्या है उसकी? आप कहना चाहते हो कि उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक वॉल की होती है, यही कहना चाहते हो? वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है बच्चे, थिक वॉल होती है उसकी, कैसी होती है, थिक वॉल होती है, और थिक वॉल होने के कारण क्या होता है कि जब हार्ट जो, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, थिक वॉल होने के कारण बच्चों क्या कहता है, जब हार्ट जो होता है वो जब एकदम से पंप करता है ना किसको, ब्लड को, तो ब्लड के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है,
और ज्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होता है कि ओटा से जब निकलता है ब्लड तो सीधा हो सकता है ओटा फट जाए, समझ में आ रही बात। अगर वो थीन होगी पतली होगी तो ओटा हो सकता है फट जाए, समझ में आ रही। तो इसलिए क्या होता है उसकी जो एक तरीके से वोल होती है वो थिक होती है, मोटी वोल होती है जो उस प्रेशर को झेल सकती है। तो इसलिए बोलते हैं सबसे बड़ी आर्टरी जो है ना हमारी वो ओटा है। क्लियर है सबको? अच्छा अब यही ओटा हमारी पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगी, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? चलो तो यानी कि पूरी जो ओटा है वो जाके आगे चल के पूरी उसमें क्या हो जाती है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फिर देन ये अच्छा ये कौन से ब्लड को पूरी बॉडी रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाती है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। अच्छा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके कौन लाता है? वेंस। यस सर वेंस। वेना कावा के थ्रू आता है, हाँ या ना? यस। अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से, दोनों बॉडी से हमारी क्या होता है वेना कावा के थ्रू बॉडी में सॉरी हार्ट के अंदर वापस क्या करता है एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। किससे वो आती है बेटा? वेना कावा एक स्ट्रक्चर था ना वहां पे? यस सर। दिखा देता हूं मैं, शायद पिछले वाले उसमें था। यहां पर देखो, इसमें यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, ठीक है तुम अपनी बुक में भी देख सकते हो, ठीक है ये रहा, तो वेना कावा है, ठीक है। यस सर। चलिए वापस वहीं पे आते हैं बच्चों, हम बात कर रहे थे वेंस और आर्टरी की। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्या आता है कि वेंस और आर्टरी में डिफरेंस बताओ, क्या आता है वेंस और आर्टरी में डिफरेंस बताओ। तो सारे बच्चे ध्यान से देखो इधर, आशीष कुमार आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। आशीष दूसरा आशीष? यस ठीक है। तो बच्चों आर्टरी का देखो, पहले हमने दो टेबल बना रखी है आर्टरी और वेंस की, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टरी में जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है देखो, कहता है दीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। बेटा आर्टरी से क्या होता है टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि आर्टरी वो पाइप है वो ट्यूब है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, समझ में आ रही बात। और सबसे बड़ी आर्टरी तुमने तो बताया था भी कौन सी होती है? ओटा, वेरी गुड, ठीक है। तो ओटा सबसे बड़ी आर्टरी है, तो इसका मतलब है आर्टरी क्या करती है बच्चों, हार्ट से ब्लड को कैरी करती है और देन पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन के पास हर एक सेल के पास ब्लड को पहुंचाती है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे आर्टरी का, कहता है ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट विद हायर प्रेशर। बच्चों आर्टरी के अंदर जो ब्लड आता है हार्ट से वो हायर प्रेशर के साथ आता है, यानी कि ज्यादा प्रेशर के साथ आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ओटा की जो वॉल्स होती है वो थिक वॉल्स की बनी होती है, कारण यही था कि प्रेशराइज ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होने के कारण हो सकता है वो फट जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है दीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अभी बताया मैंने आपको इनकी इलास्टिक वॉल्स होती है, थिक होती है। इलास्टिक मतलब समझ सकते हो आप, इलास्टिक का मतलब तो सबको पता है ना, फ्लेक्सिबल, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है दे डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। और बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हमारी ओटा होती है आगे चल के छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो उसी को ये कह रहा है कि हमारी जो आर्टरीज होती है आगे चल के स्मॉलर स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। क्लियर है? Yes, जैसे जैसे मैंने आपको आपके घर का एग्जांपल दिया था कि आपके घरों में जो सबसे छत पे ऊपर टंकी रखी रहती है, टंकी में से एक मेन पाइप आता है और वही पाइप जो होता है अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जो कि आपके रूम्स में वॉश प्रेशन में सिंक में अलग अलग जगह पे ब्रांचेस में डिवाइड हो रखा होता है। तो सेम इसी तरीके से हमारे जो हार्ट में से क्या होता है जो ओटा होती है, ओटा में से ओटा क्या होती है आर्टरी जो है एक तरीके की, वो क्या करती है छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद वो क्या करती है पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें?
सर यहाँ पे स्मॉलर एंड स्मॉलर की जगह ये भी तो लिख सकते हैं डिफरेंट वेसल्स। हाँ डिफरेंट वेसल्स नहीं लिख सकते बच्चे, डिफरेंट तरीके की वेसल नहीं है, वेसल एक ही तरीके की हमारी बॉडी में, लेकिन हर एक वेसल्स में ठीक है वो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ जी बताओ बताओ। हर एक ऑर्गन के पास ब्लड जाता है। हाँ जी ब्लड आपने बताया था कि ग्रेविटी की वजह से सिर्फ ऊपर वाली ऑर्गन के पास जाता है। बच्चे देखो क्या होता है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गया हूँ, ध्यान से सुनो बेटा आशीष। यहाँ पर बात हो रही थी कि असल में क्या होता है कि हमारी लोअर बॉडी में तो ब्लड आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है, लेकिन हमारी अपर बॉडी की अगर मैं बात करूं जहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना होता है, वहां पर बॉडी में ऑक्सीजन को सॉरी ब्लड को पहुंचने में दिक्कत होती थोड़ा, तो इसलिए हार्ट क्या करता है पंप करता है। तो पंप करेगा तो सीधी सी बात है रेस्ट ऑफ द पूरी बॉडी में ही जाएगा ना, असल में नीचे वाले ऑर्गन में तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर वाले में भी जाएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन पहले क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले में जा पा रहा था। क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ चलो कोई दिक्कत इसमें, आर्टरीज में कोई दिक्कत जितने भी पॉइंट थे यहाँ पे? नो सर। चलो वेन्स का देखते हैं, वेन्स में देखो कहता है दीज कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। बच्चों वेन्स जो होती है वो अब आपकी पूरी बॉडी से, वो आपकी पूरी बॉडी से क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करके लाएगी। इसका मतलब वो ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो समझ में आ रही बात? तो वेन्स कलेक्ट करके लाते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट है द ब्लड इमर्ज फ्रॉम बॉडी विद लो प्रेशर, यानी कि अब जो ब्लड आएगा उसके पास इतना प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, तो यानी कि वो लो प्रेशर के साथ आएगा, ठीक है। अब आप ऑटोमेटिकली सारी चीज समझ रहे होंगे इस चीज से, लो प्रेशर के साथ आएगा। दूसरी बात, दीज हैव थिन पतली नॉन इलास्टिक वॉल्स, और इसकी पतली वॉल्स होती है और नॉन इलास्टिक होती है। समझ में आ रही बात? यानी कि पतली होगी, कारण भाई पतली होगी कोई दिक्कत थोड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कारण भाई ज्यादा प्रेशर थोड़ी है जो फट जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। और नॉन इलास्टिक मतलब समझ रहे हो तुम, इलास्टिक नहीं होगा उसमें, इलास्टिक चीज की फैसिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा दीज हैव वॉल्स फ्रॉम द फ्लो बैक इन वन डायरेक्शन, फ्लो ब्लड सॉरी। कह रहा बच्चों इसमें वाल्व होता है, और वाल्व का फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था जो कि हार्ट के अंदर बताया था, याद है मैंने आपको बताया था कि वाल्व जो होता है वो बैक फ्लो को रोकता है, यानी कि वो क्या करता है बैक फ्लो को एक तरीके से रोकता है ब्लड के। जैसे कि मैं आपको बता दूं बेटा, वाल्व का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे मेरी मेरी फिंगर्स की तरफ देखो सारे बच्चे, वाल्व का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ऐसे, ठीक है, और जब ब्लड नीचे से प्रेशराइज करता है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ओपन हो जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन जैसे ही पूरा ब्लड ऊपर चला जाता है ये वापस क्लोज हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब वापस जब ब्लड का बैक फ्लो होता है तो ये वापस नीचे की तरफ ओपन नहीं हो पाता। समझ में आ रही बात? नीचे की तरफ ओपन नहीं होता तो ये इजिली ओपन होता है सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ। समझ में आ रही बात? तो यानी कि जब ब्लड नीचे से प्रेशराइज करेगा तभी ये ओपन हो पाएगा, अन्यथा ये ओपन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है, ब्लड जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। वेरी गुड। चलिए बच्चों कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा था स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। बच्चों यहां पर है ना, आप जब बुक की रीडिंग करोगे तो आपको एक वर्ड सुनाई देगा कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज भी एक तरीके की वेसल ही है, ठीक है, कैपिलरी भी एक तरीके की वेसल है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रही है, लेकिन ये इतनी एक तरीके से कहते ना कि स्मॉलेस्ट होती है, छोटी होती है, कि उसकी थिकनेस जो होती है ना वो एक सेल की जितनी थिकनेस होती है, सिंपल एक सेल की जितनी, इसलिए उनको कैपिलरी नाम दिया गया, अलग नाम है उसका, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिकनेस। कहता था कैपिलरीज
ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म वेन्स. और बच्चों जब छोटी छोटी कैपिलरीज आपस में जुड़ जाती हैं और उनके बाद उसको नाम दे दिया जाता है वेन्स का. क्या नाम दे दिया जाता है? वेन्स का. तो याद रखना कैपिलरी ही मिलकर वेन्स बनाती है. क्लियर है ये चीज? क्या होता है? कैपिलरी ही मिलकर वेन्स का निर्माण करती है. कोई दिक्कत? नो सर. नो, होती क्या है कैपिलरी? नहीं, वेन्स. बेटे वेन्स क्या है? वेन्स भी एक तरीके की वेसल है, लेकिन वेन नाम दिया गया है जब बहुत सारी कैपिलरी मिलकर वेन्स बनाती है पूरे, यानी कि एक तरीके से कि ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है. समझ में आ रही बात? सर कैपिलरी वो पॉइंट नहीं होता जहां आर्टरी और वेन्स मिलते हैं. जहां पे आर्टरीज और वेन्स मिलते हैं? नहीं नहीं बच्चे, कैपिलरी है ना स्मॉलेस्ट वेसल बोली जाती है, ठीक है. छोटी छोटी वेसल्स होती है जो जिनका नाम कैपिलरी दिया गया है, जो कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट में मदद करती है हमारी, ठीक है. किसी को कोई दिक्कत इसमें? बोलो बच्चो. चलिए अब बच्चे, अब ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, लिम्फ क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है. तो एक काम करो फटाफट, एक बार बुक से है ना जो हार्ट सर्कुलेशन का था उसके नीचे का था उसको एक बार रीड आउट करो, ठीक है. जल्दी फटाफट उसको रीड आउट करो और देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे प्लेटलेट्स और लिम्फ के बारे में. जल्दी फटाफट करो. देखो बच्चों सारे, इसको ओवर ही कर देते हैं पहले, ठीक है, फिर लास्ट में पढ़ना तुम. देखो सारे बच्चे इधर. अच्छा एक काम करा करो, पहले तो सारे बच्चे अपना कैमरा चालू करो, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर फैसिलिटी है कैमरा चालू करने की, तो कर सकते हो आप, ठीक है, जल्दी, ताकि मुझे एक बार दिखाई तो दे. अः क्या बात है आशीष, क्या हाल है? आशीष की शक्ल देखते के साथ खुश हो जाता हूँ. चलो स्टार्ट करें. बच्चों देखो, हम अभी जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बच्चों मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, सॉरी मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. अच्छा कितने बच्चों ने प्लेटलेट्स का नाम सुना है? सुना होगा? यस सर. बच्चों प्लेटलेट्स का नाम तुमने सुना होगा, और किसी बच्चे ने प्लेटलेट्स को किसी को जैसे ब्लड ब्लड को चढ़ते हुए देखा होगा, भाई ब्लड चढ़ रहा है किसी को, ठीक है, तुमने प्लेटलेट्स चढ़ते हुए देखी? नो सर. अच्छा सर कलर कैसा होता है प्लेटलेट्स का? जैसे ब्लड का कलर हमें रेड कलर का दिखाई देता है,
प्लेटलेट्स का कलर, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने प्लेटलेट चढ़ते हुए देखे और प्लेटलेट्स का कलर देखने में जो मैंने उस टाइम पे देखा था वो कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है, बिल्कुल पानी जैसा। कैसा होता है? पानी जैसा, कलरलेस। हाँ कलरलेस, ठीक है। चलिए तो प्लेटलेट्स क्या, देखो ध्यान से, प्लेटलेट्स के द्वारा मेंटेनेंस कैसे होती है बॉडी की, यानी कि चीजों को बचा के या फिर मेंटेन कैसे किया जाता है बॉडी को, वो सब देखते हैं। कहता है क्या कहता है, कहता है लीकेज वुड बी सॉरी लीड्स टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। क्या कह रहा है कि लीकेज जो होती है, ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लो हमारी वेसल्स में लीकेज हो जाती है या फिर हमारे ब्लड में लीकेज हो जाती है, कहीं से भी हमारा ब्लड जो है ना लीक करना स्टार्ट कर देता है, चोट लग गई, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या होगा बच्चों, ब्लड जो है वो बाहर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगा, और बाहर की तरफ बहेगा तो सीधी सी बात है हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। हाँ या ना, ब्लड के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चों प्रेशर उतना ज्यादा नहीं रहेगा, कारण उसका जो फालतू की जो फालतू में वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लीकेज की वजह से क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, पंपिंग जो सिस्टम है हमारा वो प्रेशर कम लगाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट सेल्स सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग द लीक्स बाय हेल्पिंग ऑफ द क्लॉट ऑफ द ब्लड। और बच्चों क्या करती है, प्लेटलेट्स ही वो चीज है जो क्या करती है, वो लीकेज को बंद करती है, लीकेज को बंद करती है क्या करके, उस पर क्लॉट लगा के, क्लोटिंग हो जाती है ना बहुत बार, देखा होगा कहीं चोट लग जाती है क्लोटिंग हो जाती है। हाँ है ना? यस सर। तो प्लेटलेट्स असल में क्या करती है, उस क्लोटिंग को क्लोटिंग करके हमारे जो ब्लड का फ्लो हो रहा था उसको रोक देती है, जिसकी वजह से प्रेशर हमारा नॉर्मल रह जाता है। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत सर? फर्स्ट पॉइंट समझा दे एक बार फिर से। फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चे? लीकेज वुड लीड्स टू द लॉस ऑफ प्रेशर। बच्चे यहां पर बोल रहा है अगर मान लो तुम्हारे ब्लड का कहीं से लीकेज होना स्टार्ट हो गया तो क्या आपके ब्लड का जो प्रेशर होगा वो कम नहीं हो जाएगा? बोलो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की क्या कहते हैं, जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे घर में पानी आ रहा पाइप से और पाइप कहीं से फूट जाए, पाइप कहीं से छेद हो जाए पाइप में, तो क्या उस प्रेशर के साथ पानी आएगा अंदर? नो सर। प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। फिर तुम क्या करते हो, टेप लगा देते हो उस पाइप की लीकेज पे? यस सर। जिससे कि प्रेशर दोबारा वापस वैसा ही हो जाता है? यस सर, हो जाता है। तो वैसे ही प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी क्या करती है, क्लोट कर देती है। क्या कर देती है? क्लोटिंग कर देती है। क्या कर देती है? क्लोटिंग। समझ में आया? यस सर, आ गया। वेरी गुड। तो इसी तरीके से बच्चे एक तरीका होता है हमारे पास क्या, लिम्फ। एक और चीज है यहाँ पर, लिम्फ। लिम्फ के बारे में समझते हैं, देखो ध्यान से, मीटिंग क्लोज होने वाली, जल्दी फटाफट देख लेते हैं इसको भी। लिम्फ असल में क्या होता है बच्चों, फ्लूड होता है एक तरीके का। क्या होता है? इट इज अ फ्लूड। क्या होता है? एक फ्लूड। अब सारे बच्चों को पता है फ्लूड क्या होता है, फ्लूड इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। फ्लूड समझ में आता है सबको? नो सर। क्या होता है? व्हाट इज फ्लूड? फ्लूड वो सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है? जो फ्लो कर सकता है, कोई भी चीज अगर फ्लो कर सकती है तो इसका मतलब वो फ्लूड है। जैसे कि पानी फ्लो कर सकता है, फ्लूड है। हवा फ्लो कर सकती है, फ्लूड है। एवरीथिंग इज फ्लूड विच कैन फ्लो। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। लेकिन एवरी लिक्विड इज नॉट अ फ्लूड। एवरी लिक्विड फ्लूड नहीं होते बच्चों, ठीक है। लेकिन अरे सॉरी, एवरी लिक्विड इज अ फ्लूड बट ऑल फ्लूड नॉट आर लिक्विड, ठीक है, उल्टा बोल दिया था मैंने। समझ में आ रही बात? कह रहा है कि सारे लिक्विड जो होते हैं फ्लूड तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे फ्लूड लिक्विड नहीं होते। अभी समझो, बाद में बता देता हूं इसको। कह रहा है कि इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ जो होता है एक तरीके का फ्लूड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहता है। सर ये कैसा होता है भाई? कहता है इट इज फॉर्म्ड बाय द सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, जो कि किससे बना होता है, छोटे से अमाउंट प्लाज्मा से बना होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है एंड ब्लड सेल्स इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस टिश्यूज। बच्चों इंटरसेल्युलर स्पेसेस टिश्यूज के बीच में जो छोटा थोड़ा प्लाज्मा बच जाता है या फिर कुछ ब्लड बच जाता है, उससे बनता है हमारा फ्लूड। क्या बनता है? फ्लूड बनता है जिसको लिम्फ कहते हैं।
और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है, ठीक है। इट इज कलरलेस, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है एंड कंटेन लेस प्रोटीन, और इसके अंदर प्रोटीन कम होता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन इन ड्रेन इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, और ये बाद में जाकर किसमें जुड़ जाता है, कैपिलरी में जुड़ जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, असल में हमारा लिम्फ क्या है, तो असल में बच्चों लिम्फ एक तरीके का क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे एक बात बताओ, ट्रांसपोर्ट के लिए डीटीसी का नाम सुना है अपने यहाँ पे? डीटीसी है लेकिन एक बात बताओ, क्या सारी की सारी पब्लिक डीटीसी के थ्रू जा पाती है? नो सर। बेटा बची कुछ पब्लिक को कौन ले जाते हैं? ऑटो वगैरह वाले। हाँ, ऑटो वगैरह वाले। तो ऑटो वगैरह वाले क्या है, एक तरीके से सपोर्टिव सिस्टम है ना हमारे ट्रांसपोर्ट का। यस सर। तो सेम इसी तरीके से लिम्फ क्या है, लिम्फ एक सपोर्टिव फ्लूड है, लिम्फ एक सपोर्टिव फ्लूड है जो चीजों को हमारी सेल्स तक पहुंचा रहा है। यानी कि बहुत बार क्या होता है, कुछ चीजों को जो होता है हमारा ब्लड कैरी नहीं कर पाता, या फिर ये कह लो कहीं से लीकेज हो रही है थोड़ी बहुत, तो हमारा प्रोटीन फैट वगैरह लीकेज हो गया और वो साइड में निकल गया, तो सेल तक नहीं पहुंचेगा ना, तो पीछे से लिम्फ आता है और लिम्फ क्या करता है, उसको कैरी करता है और उसको वहां तक पहुंचाता है। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे छूटे हुए पैसेंजर को जो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स है, जैसे कि हमारा ग्रामीण सेवा हो गई, ठीक है, आरटीबीज हो गई, ये सब पहुंचाती हैं छूटे हुए पैसेंजर को, उसी तरीके से छूटे हुए प्रोटीन को, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड को, इन सबको, छूटे हुई चीजों को कौन ले जाता है, लिम्फ ले जाता है, और जाकर किसको डायरेक्ट किसको दे देता है, कैपिलरीज को दे देता है जाके। समझ में आ गई बात? प्रेजेंट कहां बच्चों? ये प्रेजेंट रहता है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में, यानी कि जैसे हमारी ट्यूब होगी ना, जैसे कि मैं अभी आपको ड्रॉ करता हूं हल्का सा, जैसे मान लो ये ट्यूब है और ये मसल है। समझ में आ रही बात? तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, ये वाला, इन इंटरसेलुलर स्पेस में क्या रहता है, लिंक प्रेजेंट रहती है, जो यहां से लीकेज हो जाती है ना, यहां से जो लीकेज हो जाएगी उसको साथ में ले जाएगी और वहीं पर ले जाएगी जहां पर हमारी ट्यूब ले जा रही थी। समझ में आ रही बात? बेटा तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर कैपिलरीज क्या होता है? बेटा कैपिलरीज वही बताई तो थी, छोटी छोटी ब्रांचेस में जो आके डिवाइड हो जाते हैं, उसका नाम कैपिलरी है, जो एक स्मॉल वन सेल की थिकनेस से बनी होती है। ओके सर, यस सर। क्लियर है, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। नो सर। चलिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से काम करो, एनसीईआरटी से रिवाइज करो, ठीक है, देखो अच्छे से और रीडिंग करो, कोई चीज नहीं समझ में आती है पूछो, ठीक है। और आज मैं थोड़ा सा सेटअप चेक कर रहा था, थोड़ा इसलिए मैंने थोड़ी हमारी जो है क्लास छोटी हुई है, लेकिन नेक्स्ट क्लास याद रखना, मैं आपको क्या बताया, दो दो टाइप की क्लास होंगी आपकी, दो दो टाइप बोले दो, एक में आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, दूसरा जो लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे वो क्लास होगी बच्चों आपके क्वेश्चंस रिवाइज के लिए। ध्यान रखना किसके लिए होगी, क्वेश्चंस के लिए। समझ में आ रही बात? तो इस बात का याद रखना, उस चीज को मिस नहीं करना, ठीक है, यूट्यूब वाली क्लास को मिस नहीं करना, वहां पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और असाइनमेंट्स के भी जैसे मर्जी, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो चलिए जितना आज कराया उतना अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। बेटा हो सकता है मे बी आज ही हो जाए, लेकिन आज बहुत कम चांस है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पक्का होगी, ठीक है। ओके सर, ठीक है बच्चों। बाय बाय बेटा।